मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े। लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बस सके? क्या अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला, आपको लगता है वो अपना शौचालय इसलिए छोड़ देंगे अमेठी में ताकि गांधी परिवार चमक सके? लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? तो मैंने जितना अमेठी को 10 वर्षों में एक एक गांव एक एक गली जाकर समझा है, अमेठी अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। पिछली बार राहुल गांधी ने 2 जगह से पर्चा भरा था, अभी 2 जगह से लड़ेंगे क्या? मैं इतना ही कहना चाहूंगी, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका रहा है।